हमें कहने का संकोच भी नहीं। मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हो पकड़ लेना, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आप तो लुटेरे की तरह ढूंढने धमकी दे रहा है, तो पैंतीस का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें तो अपराधी हो गए, कोई महाद्रस के बाबा है। तो अपनी ही सरकार पर भयंकर भड़क रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, खुलकर मंच से मीडिया के सामने, सबके सामने कह रहे हैं कि इस सरकार में तहसीलों थानों में भ्रष्टाचार अकल्पनीय है। वैसे अकल्पनीय इन नेताजी का बयान भी है जो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में खुद मंत्री रहे। अब यही योगी सरकार में सबसे ज्यादा लूट खसोट के गंभीर आरोप लगा रहे हैं, खुलकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का ये बयान वायरल है। देखिए कैसे पूर्व मंत्री योगी सरकार पर फायर होते हैं। हमें कहने का संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे हो मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आप तो लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें हम अपराधी हो गए, कोई महाद्रस के बाबा है कि हम कह रहे हैं मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है, आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यह आपकी इज्जत बची है, आप जहां इस केसरिया कपड़े को अपने कंधे पर रखते दिखे वहां उसे सम्मान मिले, वहां उसे आदर मिले। तो पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुबानी अभिनंदन से काम नहीं बनेगा, कहते हैं कि सम्मान सबसे बड़ा है, सम्मान के लिए अगर तहसील घेरना पड़े थाना घेरना पड़े तो घेरो। मोती सिंह का ये बयान वायरल हुआ तो अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी ले ली और सीएम योगी पर कर दिया बड़ा हमला। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता के आरोपों पर तंज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में तहसील और थाने के अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार पर पार्टी के लोग ही जब प्रमाण पत्र बांट रहे हैं तो क्या इस अकल्पनीय भाजपाई भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए कुछ और सबूत चाहिए? अब देखते हैं बुलडोजर किस ओर मुड़ता है। आपको बता दें कि मोती सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक है, वो यूपी में कई बार बीजेपी सरकार में प्रभावशाली विभागों को संभाल चुके हैं, योगी वन में भी वो पंचायती राज व संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। 2022 चुनाव में पट्टी से वो चुनाव हार गए थे। मोती सिंह ने यह बयान पट्टी विधानसभा में 11 जुलाई को मतदाता सम्मान समारोह के दौरान दिया था। प्रतापगढ़ से सुनील यादव की रिपोर्ट, यूपी तक।